तो जैन भाई वन सेकंड स्वागत है आपसे एक फिर से। तो जिनका भी दौरा धनबाद सियासत कैंप कुरनगर में, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको ट्रैक का वीडियो दे दूँगा, तो ट्रैक आपको बिल्कुल देखते हो, मेरे पीछे देखते हो, आपको इसी जगह पर बैठाया जाएगा, ठीक है, ये जो देख रहे हो इसी जगह पर आपको बैठाया जाएगा सारे कैंडिडेट्स को। उसके बाद यहाँ से जो है आपके जितने भी आपके सबसे पहले तो हाइट होती है, हाइट वगैरह वगैरह होने के बाद जो भी आपकी यहाँ पर प्रोसेस होती है, उसके बाद आपको दौड़ के ले जाया जाएगा। और दौड़ के लिए आपको स्ट्रेट जो है इस पाथ में ले जाया जाएगा, इधर देख सकते हो, ठीक है, इधर आपको स्ट्रेट इस पाथ में ले जाया जाएगा। फिर रिटर्न आना है, फिर जाके आपको इधर से थोड़ा सा साइड जाना है, वहाँ से आकर आपको टोकन लेके वापस जाके स्ट्रेट में फिनिशिंग करना है। तो दौड़ के लिए रोड बिल्कुल भी सही रोड है, रोड में बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली पर भी दौड़ सकते हो। मैं आपको ट्रैक का ओवरव्यू पूरा दे दूँगा, पूरा ट्रैक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपके जो भी डाउट है इस वीडियो के बाद, आई होप आपके पूरे डाउट क्लियर होने वाली है। तो वीडियो कौन तक देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और जिनका भी दौड़ 18 तारीख को, बिल्कुल कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि 18 तारीख को किन किन दौड़ है। और धनबाद के सियासत कैंप में 18 को जिनका भी दौड़ है वो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट आपकी कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो भाई चौक से 500 मीटर्स आगे जाने के बाद यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से आपको ला के यहाँ पर बैठा के यहीं से स्टार्ट किया जाएगा आपका करने। यही स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट को देख लीजिए, यहीं से आपको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और आपको सेकंड में कहाँ जाना है चलिए वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो भाई आप लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट तो देख ही लिया, स्टार्टिंग पॉइंट से आपको ये स्ट्रेट आना है, ठीक है, स्ट्रेट आके आपको इस ट्रैक में जाना है। और ट्रैक बिल्कुल भी आप खाली पर भी दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस ट्रैक में, ठीक है। आपको इधर आना है और ये जो रोड दिख रहा है सीधा में, ठीक है, इस रोड में ये जो ऑटो भी गया इस रोड में आपको जाना है, सीधा जाना है आपको। और जो टोकन मिलता है वो आपको एकदम सीधा जाके एंडिंग में मिलने वाला है, जहाँ पे एक लेन 3 लेन कनेक्ट होगा, ठीक है, सीधा लेन जाएगा और ये रोड उसमें जाकर मिलता है। तो वहाँ पर आपको टोकन मिलने वाला जो कि 2400 के अप्रॉक्स है, 2400 मीटर के अप्रॉक्स है वो, ठीक है, वहाँ से टोकन लेना है। टोकन लेके वापस आपको आना है इसी लेन में और ये जो पाथ दिख रहा है, ठीक है, वापस आके आपको फिनिशिंग पॉइंट लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये जो पाथ दिख रहा है आपको इस पाथ में जाना है, फिर इस रोड में नहीं जाना है, ये नहीं, ये जो सर्कल जा रहा है ये स्ट्रेट इस रोड में जाना है आपको, ठीक है, बिल्कुल मैं चलिए वही दिखा रहा हूँ आपको, स्ट्रेट आपको इस रोड में जाना है और जाके आपको फिनिशिंग करना है। और फिनिशिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा पहले ये जो दिख रहा है यहाँ से थोड़ा सा इंक्लाइंड आपको मिलने वाला है, जो कि आपको फिनिशिंग से पहले थोड़ा सा आपको थकावट हो सकती है, लेकिन आपकी जो फिनिशिंग है 150 मीटर वो बिल्कुल भी डाउन में है। तो ये जो दिख रहा है ये स्ट्रेट रोड, इस रोड में आपको स्ट्रेट जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, ये आपको जाना है स्ट्रेट इस रोड में। और इस रोड में स्ट्रेट जाके फिनिशिंग आपको बिल्कुल भी डाउन में फिनिशिंग करनी है, सिर्फ बस यही इंक्लाइंड है। यहाँ से आपको जो है तकरीबन यहाँ से 500 मीटर के आप मान के चलो यहाँ से आपको इंक्लाइंड ही मिलने वाला है, ठीक। तो और यहाँ से आपको बिल्कुल छाँव मिलने वाला, तो धूप भी अगर इस टाइम पर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो इस रूट में जाना है आपको, ठीक है ना, इस रूट में स्ट्रेट जाके वहाँ पर चौक है उससे आगे जाना है और फिनिशिंग बिल्कुल डाउन में है, ठीक है। चलो चढ़ गई तो उसके बाद से कुछ नहीं है। आपको जो फर्स्ट ट्रैक है उसमें आप ये देखते हो यहाँ पे आके बस यहाँ से 100 मीटर की फिनिशिंग बची है, जो कि बिल्कुल भी डाउन में है यहाँ पे फिनिशिंग आपकी। तो फिनिशिंग करने से मैं बिल्कुल आपको सिर्फ यहाँ से स्टेप आपके लेनी है, जो कि आपको इसके बाद लास्ट में जो है फिनिशिंग आपकी बिल्कुल डाउन में है और डायमंड के पास फिनिशिंग होगी। चलिए मैं फिनिशिंग दिखा दे रहा हूँ आपको,
आ चुका है आप लोग की फिनिशिंग पॉइंट, और यही फिनिशिंग पॉइंट ये जो आपको चौक दिख रहा है जो कि डायमंड वाला स्टेशन दिख रहा है, ठीक है यहीं पे आपको बस यहीं पे आपको फिनिश करना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने फिनिशिंग पॉइंट जो देख लिया, चलिए मैं आप लोगों को मेरे एक फ्रेंड की रनिंग अभी रनिंग कर रहा हूँ, चलिए उसके मैं टाइमिंग भी दिखा देता हूँ आपको। तो बस वो आ रहा हूँ, ये देखें तो एंटर हो चुका है। तो चलिए इस बंदे के मैं आपको टाइमिंग दिखा रहा हूँ कि टाइमिंग इस बंदे का कितना आया है। होल्ड ऑन, बस जस्ट फिनिश होने ही वाला है और अब फिनिशिंग कंप्लीट हो चुका है आपका। तो फाइनली आप देख सकते हो टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। तो टाइमिंग आपको देखना, देख सकते हो ये टाइमिंग लगी है, तो टाइमिंग देख सकते हो कितना लगा टाइमिंग है आप लोग। और ये 5 किलोमीटर की फिनिशिंग आपकी यही पॉइंट है, ठीक है इस पॉइंट पे आपको 5 किलोमीटर की फिनिशिंग करनी है। और आपकी 2 ट्रैक है, मे बी पहला ट्रैक जो है वो आपको CISF कैंप के पास स्टार्ट हो सकता है, और अगर वो ट्रैक नहीं रहेगा तो आपको स्टार्टिंग भी यही होगी और एंडिंग भी यही होने वाली है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी आपकी यही होगी और सीधा जाके आपको 2.5 किलोमीटर के बाद टोकन लेके वापस फिनिशिंग भी यही करनी है। और अगर फर्स्ट ट्रैक पे दौड़ाई जाती है जो कि लास्ट टाइम हुई थी, तो लास्ट टाइम वाला ट्रैक जो था वो आपका CISF का गेट का जो मेन पॉइंट है वहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। और आपको नेताजी सुभाष चौक से सीधा आपको जाना है लेफ्ट, एक स्ट्रेट पाथ में जाना है, उसके बाद वहाँ से रिटर्न आना है, फिर यहाँ आके फिनिशिंग करनी है। तो फिनिशिंग पॉइंट बिल्कुल आपका सेम रहने वाला, यही रहने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ट्रैक का आइडिया हो गया होगा। ट्रैक बिल्कुल भी जो है आप खाली पैर दौड़ सकते हो, ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं आप देख सकते हो, ट्रैक बिल्कुल भी सपाट ट्रैक है और इंक्लाइन अप्स एंड डाउन आपको मिलने वाली है, इंक्लाइन एंड डाउन मिलने वाली है। और फिनिशिंग तो आपको बिल्कुल 100 मीटर डाउन ही मिलने वाली है। तो ईजिली आप यहाँ पर अगर आपकी टाइमिंग 24 प्लस भी अगर आपकी ग्राउंड में आ रही है तो आप यहाँ पर ईजिली 23rd एंड हाफ में कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।